हरियाणा में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। खबरों के मुताबिक पीजीटी भर्ती को लेकर 8 फरवरी को पंचकुला कूच करने वाले हैं और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वाकई हरियाणा में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मनोहर सरकार के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं या सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद फिर से सब सामान्य हो जाएगा। बता दें कि 8 फरवरी को पीजीटी लेक्चरर पंचकुला में सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक पैदल मार्च करेंगे। इसके अलावा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर एचटेट पास अभ्यर्थी पिछले 3 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। एचटेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। एचपीएससी नए बैरिकेड्स लगाकर टीचर्स की भर्ती रोक रही है। ऐसे में अब सिवाय प्रदर्शन के उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसी को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 में सभी अभ्यर्थी इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल मार्च निकालते हुए एचपीएससी में अपनी मांगों को लेकर पत्र देंगे, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी हाउसिंग बोर्ड चौक पहुँचेंगे। बहरहाल बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर पीजीटी लेक्चरर की तैयारी सरकार को बैकफुट पर लाने में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर सरकार की ओर से मान मनोबल के बाद शिक्षक फिर घर बैठ जाएंगे।